कमल चिमा इंटरनेशनल सुपर मॉडल टाइटल विनर के साथ साथ कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मॉडल कॉन्टेस्ट की विनर रही हैं। वे हमेशा से अपने सपनों को सफलता से जीतती रही हैं। पिछले 10 सालों से मुंबई में सेटल्ड व मॉडलिंग में एक शानदार करियर निभाने के बाद अब उन्होंने उभरते हुए मॉडल्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। अपने नए प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आज का युवा मॉडलिंग व एक्टिंग के लिए काफ़ी पैशनेट है, टैलेंटेड है और ज़रूरत है कि नए से नए प्लेटफॉर्म की, ताकि उन्हें संघर्ष के बोझ तले दबके वह कई बार तो सपनों के साथ ही खुद में विश्वास भी खत्म होने की स्थिति ना आ जाए, बल्कि इसलिए उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म पैदा कर बनाने की कोशिश की है। उनको थोड़े बहुत संघर्ष से ही एक मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। देखिए चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। मैं कमल चिमा मुंबई से। मैं ऑलरेडी मॉडलिंग के जो फील्ड में काफ़ी अच्छा नाम कमा चुकी हूँ। अभी मैं वेल ट्रेंड एक्टर, तो अभी मैंने आई एम इन टू राइटिंग ऑल्सो, तो मेरी एक बुक आ रही है फ्रॉम अ मदर टू अ चाइल्ड, मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है। ऑलरेडी मैंने 2 प्रोजेक्ट किए जो कि बहुत बहुत ही सक्सेसफुल हुए थे। लास्ट ईयर मैंने पैंडमिक में अपने जवानों को, अपने पुलिस ऑफिसर को एक मतलब एक डेडिकेट किया था उनके लिए, तो वो मेरा बहुत ही अच्छा मतलब उसको बहुत ही अच्छा प्यार मिला था। उसके बाद मैंने अभी 15 अगस्त के लिए किया था, अभी मैंने किसानों के लिए स्पॉट के लिए ये किसानिस्तान किया हुआ है। तो हमारा प्रोडक्शन हाउस का लॉन्च आज रिलीज प्रेस रिलीज है। केसी प्रोडक्शन हाउस, कमल चिमा प्रोडक्शन हाउस, इट्स माइन। किसानिस्तान के बारे में, किसानों का प्रोटेस्ट के बारे के ऊपर है कि वो जो वहाँ पे बैठे हैं, दे आर नॉट खालिस्तानी, दे आर किसानिस्तानी, दे आर देयर। वहाँ कोई सिख नहीं बैठा, कोई हिंदू नहीं बैठा, कोई मुसलमान नहीं बैठा, वहाँ पे किसान बैठे हैं, किसानों के बच्चे बैठे हैं, जो अन्न खाते हैं वो बैठे हुए हैं और कोई नहीं बैठा हुआ। वो अपने किसी खालिस्तान या किसी पाकिस्तान के लिए नहीं बैठे हुए, दे आर देयर फॉर द किसानिस्तान। ये ऑलरेडी शूट हो चुका है, मे बी अब 2-3 दिन में हम इसको रिलीज कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम ऑलमोस्ट सब कुछ ही करेंगे। अभी हमारे पास ये है और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए कुछ इसके लिए बात हो रही है, तो वो सब हम करेंगे। आर्टिस्ट के लिए जो ऑडिशंस लेंगे हम और बात करेंगे, कुछ होते हैं कि जैसे आप थिएटर आर्टिस्ट से मिलेंगे, वो लाइव परफॉर्मेंस होती है, उनको कैमरा नहीं आता है, तो वहाँ पे भी हमें पता है उनसे कैसे काम करना है। ऑडिशन का टू कास्ट देम इन माय अपकमिंग प्रोजेक्ट जो भी आ रहे हैं उनमें कास्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स देखो, ऑफ कोर्स करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर काम दे दिया तो दोबारा मिलेगा, क्या पता एक शाहरुख खान के छोटे से सर्कस से भी वो स्टार बन गया, आज मेगा स्टार है वो इंडिया का। रजनीकांत स्पेक से खेलते हुए आज इंडिया का मेगा स्टार है, उसके जितना कोई चार्ज नहीं करता है। आप रियल लाइफ में तो आपको नहीं पता, यू नेवर नो कब क्या आपको आवाज़ दे रहा है, आपको नहीं पता। आप में से बहुत सारे हैं जो कुछ और करना चाहते थे लेकिन आज इस लाइन में है, सो यू नेवर नो कब आपको कहाँ से क्या आवाज़ आ जाएगी। बाकी तो किस्मत होती है।